अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे चुनकोटी पैलेस है। मीर उस्मान अली पाशा उर्फ निज़ाम सरकार यहाँ रहते थे, हैदराबाद दक्कन के जो बादशाह थे। कल यहाँ पर जो है सो बहुत ही तेज़ बारिश होने की वजह से उस झाड़ पर बिजली गिरी है, आप देख सकते हैं। काफ़ी पुरानी इमारत है ये, आसिफ जाई सल्तनत के आखिरी बादशाह मीर उस्मान अली ख़ान उर्फ निज़ाम सरकार यहाँ पर अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त गुजारे, और उनकी बहुत ही मनपसंद रिहाइशगाह थी ये, उनकी बहुत ही मनपसंद कोठी थी, जो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त यहाँ पर गुजारे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा वहाँ से बताना चाहूँ, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं चुनकोटी पैलेस का जो है सो पूरा बाउंड्री जो है सो नज़र आ रहा है, और वहाँ से जो सीढ़ियाँ हैं उसके बाजू से ही जो है सो मीर उस्मान अली ख़ान साहब के रूम को रास्ता जाता था, उनके बेडरूम को जो रास्ता जाता था वहीं से जाता था। और काफ़ी यानी उनकी मनपसंद जगह थी, अपनी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत लम्हा यहाँ पर वो गुजारे हैं। उनकी सल्तनत की काफ़ी जो कोठियाँ थी, जो पैलेस थे, उसमें सबसे मनपसंद कोठी मनपसंद पैलेस ये रहा है, जो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारे हैं। और वो इस दुनिया से जाने के बाद भी जो है सो यहीं पर रहना पसंद करे हैं। यहाँ पर ही जूदी मस्जिद है जिसमें उनकी मज़ार है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं उस झाड़ पर बिजली गिरी है, और यहाँ का जो है सो जो मेन गेट है चुनकोटी पैलेस का, ये मेन गेट है, देखिए अभी ये मैं बाहर की तरफ आकर बता रहा हूँ। इसी को पर्दा गेट कहा जाता है, चुनकोटी पैलेस पर्दा गेट जो कहते हैं, इसी गेट की वजह से इसका नाम रखा गया है पर्दा गेट। तो नाज़रीन मैं इजाज़त चाहता हूँ, मेरे को बताना था कि आज भी ऐसे खूबसूरत कोठियाँ मौजूद है, और मैं चाहूँगा कि माशाल्लाह से मैं एक और बाखूबी नज़ारा आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि ये चुनकोटी पैलेस है, और इसी के सीधान से देखिए आप मक्का मस्जिद, और उससे थोड़ा सीधा देखिए आप चार मीनार, और उससे थोड़ा सीधा देखिए उसके पीछे फलकनुमा पैलेस। ये इस तरह का कंस्ट्रक्शन उस दौर में किया जाता था। इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए तो ये शायद ऐसे ही कोई कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि हम उस टाइम पे बड़ी बड़ी इमारतें नहीं थी, तो सात गुम्बद से देखने पर भी फलकनुमा पैलेस, मक्का मस्जिद और चार मीनार नज़र आते थे। शायद आज भी आते होंगे, लेकिन अभी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई है, तो यहाँ का भी शायद कुछ ऐसा ही है, क्योंकि बिल्कुल चुनकोटी पैलेस से सीधा देखने पर मक्का मस्जिद, चार मीनार, फलकनुमा पैलेस नज़र आता है। इस चीज़ को मैं आज पहली बार गौर किया हूँ। जैसे इसका नाम रखा गया है पर्दा गेट। तो नाज़रीन मैं इजाज़त चाहता हूँ, मेरे को बताना था कि आज भी ऐसे खूबसूरत कोठियाँ मौजूद है, और मैं चाहूँगा कि हुकूमत इनकी साफ़ सफाई का भी ख्याल रखे, क्योंकि बड़ा ही अफसोस होता है जब लोग इस पैलेस की दीवार पर पेशाब करते हैं।
क्योंकि एक रियासत का बादशाह जो है सो यहाँ पर रहा है और जो है सो एक सल्तनत का बादशाह अपनी ज़िंदगी का वक्त गुजार रहा है और एक वक्त के बादशाह की जो है सो कोठी है। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है तेलंगाना गवर्नमेंट से इस चीज़ की भी कि यहाँ पर ये सब चीज़ें बंद कर दी जाए, जो लोग यहाँ पर पेशाब कर रहे हैं और ना जाने क्या क्या जो है सो कचरा फेंक रहे हैं, तो इस साफ़ सफाई का भी ख्याल रखा जाए। बड़ा मेरी गुजारिश है तेलंगाना हुकूमत से।